का ये नष्ट हो रहा है, क्योंकि ये बुराई थी। बुराई का अंत हमेशा होता है। अति जो है वो अति किसी भी चीज की होगी उसका नाश होता है। मैं अपनी ओर से बहुत बहुत दशहरे की शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रजापत जी। और हम आज जिनका हमने सम्मान किया है संस्थित अध्यक्ष श्री जी होगा, उनसे निवेदन शुभकामना के दूर सब करने की इच्छा नहीं है। आज लंकाधिपति की गरम आज बुराई का अंत हो रहा है। मैं इस पवित्र दशहरे के दिन आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। अंत नहीं हुआ है। इस संस्था ने सम्मान किया है, मैं इनका भी आभार प्रकट करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जब तक मेरी सांस में सांस है मैं उज्जैन महाकाल की सेवा करते ही मेरी अंतिम सांस आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। आप सबको पुनः दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुणसाठ वर्षों से निरंतर जारी ये सांस्कृतिक परंपरा लाला अमरनाथ जी ने प्रारंभ की। 1986 के बाद ओम अमरनाथ जी ने संस्कृति की मशाल अपने हाथ में रखी और इस साल उन्होंने संस्कृति उत्सव की मशाल अपने पुत्र शिवा खत्री को सौंप दी है। तो तीन पीढ़ियों का ये दशहरा हो गया। हम लोग 59 साल कितने होते हैं, 1964 ये प्रारंभ हुआ है। मैं अमरनाथ जी से निवेदन करना चाहूँगा आए और अपनी संस्कृति की मशाल जो अपने शिवा खत्री जी को सौंपी है। तीन पीढ़ियाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। परिवार के बारे में कहा, ये सही है कि मेरे पिताजी ने इसे शुरू किया, उन्हें आज तक करता आया। मैं अपने को भी इस बात की समझाइश देता हूँ कि ये परंपरा चलती रहे और आने वाले कई वर्षों चलती रहे और भगवान महात्माओं से प्रार्थना की जीवित रहे और आशीर्वाद प्राप्त होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, सेवा का एक अलग ही आनंद होता है, अलग ही खुशी होती है, अलग ही सुख होता है। 59 वर्षों से अमरनाथ परिवार ये समाज की सेवा, संस्कृति की सेवा, धर्म की सेवा कर रहे हैं, उसके आनंद की तो बात ही अलग है। अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हरीश कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ आए और सभी अतिथियों का। आप सभी धर्म प्रेमी, उत्सव प्रेमी, संस्कृति प्रेमी,